subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सब के बीच लेकर के आए हुए हैं मित्र बंधु एसएससी जेडी का वॉल्यूम 11 यानी 11, जिसमें आप प्रीवियस ईयर का सारे सॉल्यूशन को देख पा रहे हैं। और अभी जो हमारा चल रहा है वो 2019 में पूछा गया प्रश्न चल रहा है आपका, 11 फरवरी का ले रहे हैं, 5 मार्च का ले रहे हैं। तो सारे का सारे सवाल बंधु हम जरूर कराएंगे आप सबों को। आज भी बहुत सारे सवाल होने जा रहा है, आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए बंधु, आज के सवाल पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिए बंधु, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ लाइक और शेयर बंधु जरूर करें। और लाइक जरूरी है बंधु, क्योंकि हमारे और आपके बीच एक संबंध को दर्शाता है कि आप हमारे वीडियो को कितना देख रहे हैं। डिसलाइक भी करते हो बंधु कोई बात नहीं है, इससे हम प्रेरित होते हैं कि चलो कोई तो डिसलाइक करने वाले हैं। तो आप जैसा आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ना लगे तो डिसलाइक भी करें, लेकिन बंधु आप जरूर पढ़ें, आपकी सेवा में हम तत्पर हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे बंधु। तो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला सवाल वॉल्यूम 11 का किस प्रकार से रहता है। तो चलिए बंधु, आज का पहला सवाल देखते हैं किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं। मित्र बंधु, यह जो प्रश्न है पूछा गया है 2019 के 5 मार्च के प्रथम पाली में बंधु, इसलिए इसको आप समझिएगा कैसे बनाएंगे। कहता है प्रश्न मित्र, एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी एक संख्या का गुना किया गया तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो सबसे पहले बंधु ये प्रश्न में देखेंगे कि त्रुटि कितना हुआ, तो जा करके त्रुटि परसेंट भी निकाल लेंगे। तो त्रुटि परसेंट त्रुटि की संख्या गुना 100/ कुल त्रुटि जो उसमें हम निकाल सकेंगे। तो बंधु देखिएगा कैसे आप बनाते हैं। एक छात्र है जो कि एक संख्या है बंधु, मान लीजिए एक संख्या कोई क्या है, एक्स है, यानी वो छात्र जो है एक हमारा वो किसी संख्या में उसको गुणा करने के लिए देता है कितना से, 4/5 से बंधु। अगर वो 4/5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाता, 4x/5 हो जाता, लेकिन बंधु वो कर नहीं पाया, उनके बजाय किसी संख्या में कितना से गुणा कर दिया बंधु, 5/4 से। देखिए 5/4 से एक संख्या का गुणा किया गया तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। इसका मतलब बंधु यहाँ गुणा करते तो उनका सही आता, यहाँ गुणा कर दिया मित्र बंधु तो उनको त्रुटि आ गया। आखिर त्रुटि कितना प्रतिशत कर गए, तो बंधु अगर ये गुणा किया है 5/4 से तो इनका आया है कितना, 5x/4 में, और गुणा करना था कितना, इतना। तो बंधु ये छोटा है ये बड़ा है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका अंश क्या है बड़ा है और इनका अंश क्या है छोटा है, तो हमारा बड़ा है। तो हम देखेंगे त्रुटि कितना हुआ घटाने के क्रम में बंधु, तो त्रुटि आप निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। त्रुटि बराबर टोटल देखिए बंधु, 5x/ कितना त्रुटि 4, और इसमें से सही कितना है 4x/5, तो त्रुटि निकल जाएंगे बंधु। हल करेंगे इनको, 5 × 20 25x माइनस 4 × 16x यानी 9x/ कितना 20। बंधु ये जो त्रुटि की संख्या आया आपका वो 9x/20 यानी 9x/ कितना आया 20 आया। अब आप देखिए निकालेंगे बंधु त्रुटि परसेंट, तो त्रुटि परसेंट मतलब त्रुटि की संख्या 9x/20 गुना 100/ कुल त्रुटि कितना है बंधु, 5x/4, तो 5x/4 लिखेंगे, यानी इतना त्रुटि में से इतना त्रुटि हुआ, तो गुना 100 करेंगे परसेंटेज निकल जाएंगे। अब देखिए बंधु आप कैसे इसको कर सकते, xx कटा दीजिए तो 9 × 100 ये ऊपर गुना 4 आ जाएंगे बंधु, ये 20 नीचे और ये 5 आ जाएंगे इधर,
बीस पच्चीस सौ के एनसी नौ चौक 36%, यानी जो त्रुटि हुआ वो कितना परसेंट हुआ, 36% हुआ, जो कि आपके ऑप्शन पहला में दिया गया है। आप पहले नंबर पे टिक लगा देंगे, आपका आंसर सही हो जाएंगे। तो बंधु आप सब समझ गए, अभी भी जिस भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला प्रश्न भी पूछा गया है, और आपका जो क्षेत्रमिति से है किस प्रकार बनाएंगे। बंधु ध्यान दीजिएगा, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1408/7 cm² और इसकी ऊंचाई 6 cm है, पाई बराबर 22/7 लेकर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बंधु बहुत ही सुंदर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु है। बंधु मान लीजिए हमारा एक किस प्रकार के लंब वृत्तीय शंकु, हम शंकु का प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं, आप सब इसको पढ़ चुके हैं बंधु। ये हमारा ऊंचाई होता है h, ये हमारा तिरछी ऊंचाई l होता है बंधु, ये हमारा क्या होता है r होता है। कहता है एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल। बंधु शंकु में आधार क्या है, देखिएगा इस प्रकार ये आधार देख रहे हैं बंधु, आपका वृत्ताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल जो दिया है वो 1408 कितना है 7 दिया है। कहता है और इसकी ऊंचाई बंधु 6 है, जो एच ऊंचाई क्या है 6 है। कहता है पाई बराबर 22/7 लेकर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। और आप बंधु जानते हैं कि शंकु का जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बंधु होता है पाई आर एल। अब देखिए बंधु यहाँ पे आपका क्या है, पाई का मान तो आपने रख देंगे जो 22/7 का है, देखिएगा एल आपका यहाँ पे बंधु नहीं दिया हुआ, एल का मान निकालना होगा। और ऊंचाई का बंधु आपका मान दिया हुआ है कितना, एच 6 दिया हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं बंधु आर का भी मान निकालेंगे, एल का भी मान निकालेंगे, तभी जा करके आप इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बंधु कैसे निकालेंगे आप। अब देखिए यहाँ जो आपका एक दिया हुआ आधार का क्षेत्रफल बंधु, तो इसके सारे आर का मान निकल जाएगा, आर और एच निकल गया, तब समझ लीजिए बंधु एच तो दिया हुआ, एल भी निकल जाएंगे। तो ये आधार जो हमारा शंकु में है, लंब वृत्तीय शंकु में कैसा होता है बंधु, वृत्ताकार होता है, तो देखिएगा ये वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का बंधु जो क्षेत्रफल अगर हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप सब कोई जानते हैं बंधु, पाई आर स्क्वायर जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना बंधु, 1408/7, और पाई का मान कहता है 22/7 लेकर बनाइए बंधु, ये आर स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अब बंधु देखिएगा ये हो जाएगा 7/7 कैंसिल, अगर बंधु ये हम कटा देंगे तो ये 64 बार में कट जाएंगे, सब कोई बंधु कटा सकते हैं। आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 64 हो गया, आर बराबर कितना हो गया बंधु, 8 हो गया। अगर आपके पास आर का मान बंधु 8 हो गया तो निश्चित है कि आपका तिरछी ऊंचाई एल बराबर निकल जाएंगे। तो बंधु इसका आप जानते हैं एच स्क्वायर प्लस क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। देखिए बंधु एच की जगह हम क्या रखेंगे, 6 का स्क्वायर रखेंगे, और आर की जगह क्या रखेंगे बंधु, 8 का स्क्वायर रखेंगे। अब देखिएगा 6×6=36, 8×8=64, तो बंधु आपका क्या हो जाएंगे यहाँ पे 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी एल बराबर आपका क्या हो गया 10 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। अब यहाँ पे आप शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो बंधु देखिएगा पाई का मान 22/7 का प्रयोग कर लीजिए, आर का मान आप निकाल चुके हैं 8, यहाँ पे 8 का प्रयोग कर लीजिए, उसके बाद एल का मान बंधु आपके पास क्या है 10 है, तो 10 का प्रयोग कर लीजिए। देखिएगा बंधु 8×16 × 16=1760/7 cm² इसका क्या हो जाएंगे बंधु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं बंधु कहाँ है, 1760/7 पहला नंबर में है, तो आप पहला नंबर में आसानी से टिक लगा देंगे, क्लियर हो गया बंधु, आप इसको समझ गए। इस तरह के जो प्रश्न रहते हैं बंधु फार्मूला बेस रहते हैं, और आप फार्मूला जब तक याद नहीं रखिएगा तब तक ये नहीं बनेंगे, लेकिन भाषा भी समझना जरूरी है कि भाषा आखिर क्या कर रहा है, कौन सा फार्मूला कहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे, क्लियर है बंधु, आप समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु अगला प्रश्न उसी पे आधारित प्रश्न है, सेम प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा आप इसको किस प्रकार बनाएंगे। कहता है मित्र बंधु प्रश्न, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यों है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बंधु आप जानते हैं कि लंब वृत्तीय शंकु आपका किस प्रकार से होता है, जैसे कि पिछला सवाल अभी जस्ट आपने पढ़ा बंधु,
जिसमें से ये ऊंचाई एच होता है, ये आर होता है, ये एल होता है। और आपको पता है बंधु, जब पिछले क्लास में हम बताए थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज को अगर चारों तरफ एक बार घुमा देंगे तो शंकु का निर्माण हो जाएगा, जिसके कारण आपको बताए थे बंधु एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया है। अब बंधु यहाँ पे देख रहे हैं, जो मांगा जाता है उसको पहले हम लोग लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं बंधु किसके लिए हमको क्या क्या निकालना होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बंधु जो होता क्या होता है, पाई आर एल होता है, आप ही जानते हैं बंधु। अब ना देखिए यहाँ पे पाई का मान दिख रहा है, पाई का मान तो आप रख देंगे, आर का मान एल का मान निकालना होगा तो कहाँ से निकालेंगे। तो देखिएगा आपके पास एक ऊंचाई दिया हुआ है, एक आयतन दिया हुआ, तो आयतन के सारे बंधु आप निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं हम पढ़ा चुके हैं शंकु का आयतन, तो बंधु शंकु का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और ये भी बता चुके थे बंधु 1/3 आखिर क्यों होता है, पिछले आप वॉल्यूम में जरूर देख लीजिएगा सवाल, तो मिल जाएंगे बंधु इस प्रकार आपको एक सवाल। अब देखिए शंकु का आयतन जो दिया हो कितना दिया हुआ, 1232 दिया हुआ है। उनके बाद बंधु 1/3 पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर स्क्वायर का मान नहीं पता है, एच का मान पता है बंधु क्या, 24 रख दीजिए। अब इनको आप कटा सकते हैं बंधु, 8 + 3 = 24, अगर इनको बंधु कटाएंगे तो आपका कट जाएंगे 11 × 2 = 22, यहाँ पे 11 × 1 = 11 बचा बंधु 1। अब देखिएगा यहाँ पे अगर 1 + 13 तो हो जाएगा 11 × 1 = 11, फिर 11 × 2 = 22 कटा दिए बंधु, जैसे आपको कटाना है कटाने में कोई दिक्कत नहीं, 8 से कटा दीजिए, ये हो जाएंगे बंधु 8 × 1 = 8 + 3 = 32 + 8 = 32। अब बंधु आपका क्या हो गया, 2 से कटा दीजिए, 7 × 2 = 14, यानी आर स्क्वायर बराबर बंधु डायरेक्ट भी कटा सकते थे, तो 7 × 7 तो आर बराबर बंधु अंडर रूट हो जाएंगे 7 × 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, यानी कि 7 सेंटीमीटर इनका बंधु क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। अब आपको चाहिए क्या बंधु, एल चाहिए, तो तिरछी ऊंचाई चाहिए, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एच का मान आपके पास दिया हुआ है कितना बंधु, 24 यानी 24 दिया हुआ है, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए, आर अभी आप निकाल चुके हैं बंधु 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 24 का स्क्वायर करेंगे बंधु 576 होता है, और 49 आप इनको जोड़ दीजिए, 9 × 6 = 15, 7 × 4 = 11, 5 × 6 = 25, और 625 का वर्गमूल कितना होता है बंधु, 25 होता है, यानी जो आपका तिरछी ऊंचाई एल है वो निकल चुका है कितना बंधु, 25 निकल चुका है। अब आप देखिए मांग क्या रहा था, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बंधु आप निकाल रहे हैं तो क्या होता है पाई आर एल, पाई का मान आपका दिया हुआ है 22/7, और आर का मान बंधु 7, और एल का मान कितना 25। अब देखिएगा बंधु यहाँ से आप इसको कटा देंगे, हो जाएगा 7 7 कैंसिल बंधु। अब इनको गुणा करने का बंधु आसान तरीका है, तो आप या तो इधर से कर लीजिए, 2 से कॉमन ले लीजिए, या 22 × 25 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 550। अब देखिए बंधु आपका 550 जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो क्या हो चुका है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। तो क्लियर हो गया बंधु, आप इनको समझ गए, और इसे पिछले सवाल भी बताए थे जो आपका पूछा गया था, ये दोनों सवाल एक बार बंधु जरूर आप देखिएगा, और इस प्रकार कोई भी सवाल आएंगे तो जरूर आप बना सकेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो चलिए बंधु जो अगला प्रश्न है, और आपका अभी जो प्रश्न हम बताए बंधु शंकु, वो आपका 5 मार्च तक था, 5 मार्च के हम फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन खत्म कर दिए बंधु। अब जो ये चल रहे हैं 11 फरवरी के लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है बंधु, तो देखिएगा आप इसको किस प्रकार बनाएंगे, और ये टाइम एंड वर्क से है, ध्यान दीजिएगा। रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि काम करना शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य को छोड़ देता है, तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है, नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बंधु भाषा बहुत ही सरल है और साधारण है, आप इसको आसानी से बना सकेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए बंधु रवि को हम R से सूचित करते हैं, देख लीजिएगा, मनीष को M से और नवीन को N से सूचित करते हैं बंधु, क्रमशः मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरा का तीसरा, तो कहते हैं ये आपका जो है 30 दिन में जो करते हैं कौन करते हैं बंधु, रवि करते हैं, 15 दिन में कौन करते हैं बंधु, मनीष करते हैं,
और नवीन कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। बंधु अगर ये 30 दिन में, ये 15 दिन में, ये 10 दिन में करते हैं तो कहीं ना कहीं काम होगा, तब करते होंगे। तो सबसे पहले पता करेंगे कि काम कितना होगा। तो बंधु इनका एलसीएम पिछले क्लास में हम बता चुके हैं इस तरह के प्रश्न को। देखिएगा बंधु, इन तीनों का एलसीएम क्या बताएंगे? काम बताएंगे। 30, 15, 10 का एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। 30 एक 30, 15 दूनी 30, 10 दिया 30। इनका सीधा सीधी अर्थ हुआ बंधु, जो समय दिया रहा था उस समय में, यानी ये दिन में दिया है, तो एक दिन में रवि एक काम करता है, इसलिए 30 दिन में 30 काम करता है। और आपका जो मनीष है, मनीष एक दिन में 2 काम करता है, इसलिए 15 दिन में 15 दूनी 30 काम करता है। और नवीन जो है एक दिन में 3 काम करता है, इसलिए 10 दिन में 10 या 30 काम करता है। यानी ये जो लकीर पे आएगा बंधु, वो एक दिन का काम या 1 मिनट का काम या 1 सेकंड का काम जिसमें समय दिया रहेगा वही होगा। क्लियर है? तो आप समझ गए, रवि एक दिन में कितना काम करता है 1, मनीष एक दिन में कितना काम करता है 2, और नवीन एक दिन में कितना काम करता है 3। और प्रश्न अब कहता है क्या बंधु, ध्यान दीजिएगा, वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। कौन कौन? रवि, मनीष, नवीन मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। बंधु ये सोच के काम कर रहा था कि काम कहीं ना कहीं समाप्त कर देंगे। बंधु यहाँ से काम शुरू किया और सोचा था कि यहाँ आते आते क्या करेंगे, कार्य को समाप्त कर देंगे। मैंने तीनों मिलके काम शुरू किया था, लेकिन हुआ क्या बंधु, ध्यान दीजिएगा, वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात, मतलब बाद 2 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है। बंधु यहाँ से काम करते करते यहाँ तक पहुँचा ही होगा, जैसे 2 दिन पूर गया रवि काम छोड़ के चला गया। जब रवि काम छोड़ के चला गया बंधु, आगे कौन काम करेंगे? मनीष और नवीन काम करेंगे। क्लियर है? अब देखिएगा क्या हुआ, ध्यान देना है। तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है, यानी मनीष 3 दिन काम किया उसके बाद, और मतलब उसके बाद देखिए बंधु यहाँ भाषा देखिएगा, और मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है, यानी यहाँ तो छोड़ के रवि गया ही था, और यहाँ से जैसे 3 दिन पूरा बंधु, यहाँ तक 3 दिन पूर गया, ये कौन चला गया? मनीष भी चला गया। तो आगे कौन बचा बंधु? नवीन बचा। और उसके बाद कहता है, नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? यानी यहाँ से यहाँ जो काम अभी बच गया था, जो तीनों शुरू किया था, शेष काम जो बच गया बंधु, वो कहता नवीन कितना दिन में करेगा, वही तो निकालना है। अगर ये निकल गया तो समझिए आपका आंसर हो गया। तो बंधु आप इस डायग्राम को समझ गए, अब आसानी से बना लेंगे। बंधु अगर ये तीनों मिलके 2 दिन काम किया तो कुछ ना कुछ 30 काम में से हेल्प किया। तो बंधु देखिएगा, एक दिन में ये 1 काम, एक दिन में ये 2 काम, एक दिन में ये 3 काम, एक दिन अगर तीनों मिलेगा तो कितना काम, 2 1 3 3 3 6, 2 दिन 7 किया है तो 6 दूनी 12 काम, यानी यहाँ तक 12 काम बंधु हो चुका था। और आगे फिर काम किया है मनीष और नवीन। अब देखिएगा मनीष नवीन कितना दिन एक साथ काम किया है, 3 दिन एक साथ किया है। तो मनीष देखिएगा 2 काम एक दिन में, नवीन 1 काम एक दिन में, 3 काम 3 2 5 काम एक दिन में, कितना दिन साथ रहा, 3 3 गुना 5 5 दिया 15। बंधु यहाँ तक देखिएगा कितना काम हुआ, यहाँ 12 हुआ, यहाँ 15 हुआ, 15 12 कितना हो गया, 27 हो गया। बंधु यहाँ तक काम हो गया 27। अब देखिए बंधु काम हमारा टोटल कितना था, 30। तो नवीन के लिए बचा कितना काम शेष, तो देख रहे बंधु 30 में 27 गया, कितना, 3 काम शेष बचा। वही 3 काम जो शेष है कौन करेगा, नवीन करेगा। तो ध्यान दीजिए बंधु, नवीन एक दिन में कितना काम, 3 काम, बचा कितना काम, 3 काम। तो बंधु नवीन एक दिन में 3 काम, बचा है मात्र 3 काम, तो कितना दिन में, 3/3, क्या दिन में बंधु, एक दिन में शेष काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्लियर हो गया, समझ गए? तो बंधु हमारा बचा था 3 काम और नवीन करता है एक दिन में 3 काम, इसका मतलब 3 काम बचा था, 3 काम हम करते ही हैं, तो 1 ही दिन ना लगेगा बंधु। तो 3/3 बराबर कितना, 1 दिन, यानी नवीन के पास जो शेष काम बचा था कितने दिन में समाप्त करेंगे, 1 दिन में समाप्त करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, 2 में है। क्लियर हो गया? लेकिन कभी कभी सवाल यहाँ पे पूछेगा बंधु, ध्यान दीजिएगा कि पूरा काम आखिर कितना दिन में समाप्त होगा, तो 3 2 5 और 1 6 दिन में समाप्त होगा। आप समझ गए बंधु, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु, ये भी सवाल उसी प्रकार से है, और इस प्रकार के भी प्रश्न बंधु आते हैं,
तो इसको आप कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, ये जरूर ध्यान दीजिएगा बंधु, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है ए बी तथा सी एक कार्यक्रम से 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया परंतु ये उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी उसे 1-2 दिन बाद छोड़ देता है, तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो बंधु कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा इसको हम आसानी से निकाल पाएंगे, तो आप इसके तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा बंधु। हमारे पास कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। तो बंधु ये ए जो करता है वो 10 दिन में करता है, बी जो है 12 दिन में करता है और सी जो है 15 दिन में करता है। तो बंधु आखिर काम कितना है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे सर इनका एलसीएम निकालेंगे तो टोटल काम पता चलेगा। 10 12 15 का एलसीएम बंधु 60, 10 6 60, 12 5 60, 15 चौकी 60। इसका अर्थ यह हुआ ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है। और प्रश्न आगे कहता है मित्र बंधु उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, तो एक साथ काम शुरू किया इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक साथ शुरू काम इसलिए क्या बंधु, क्योंकि ये सोच के किया कि कहीं ना कहीं काम हम यहाँ पे क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, यही सोच के बंधु काम किया। लेकिन हुआ आगे क्या इसको देखिएगा। कहता है परंतु ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। इस भाषा को समझिएगा बंधु, कहता ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, इनका अर्थ यह हुआ कि काम 5 दिन में अब समाप्त होता उससे पहले ए भाग गया। यानी बंधु कहीं ना कहीं इधर 5 दिन का टाइम मिल बच गया होगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तक करते करते आया होगा और उसके बाद 5 दिन काम बचा होगा, 5 दिन पहले ये भाग गया। अगर 5 दिन पहले ये भाग गया बंधु तो ये इधर नजर आएगा नहीं, इधर नजर कौन कौन आएंगे, बी और सी आएंगे, क्योंकि बंधु यहाँ से तीनों मिलके कार्य आरंभ किया 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 यहाँ तक पहुँचा और लगने लगा कि 5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, इसलिए 5 दिन पहले ये भाग गया। जब भाग गया आगे कौन गया, बी और सी गया करने के लिए, लेकिन आगे भी घटना घट जाता है क्या, ध्यान दीजिएगा। और बी उस देखिए और बी उसे 1-2 दिन बाद छोड़ देता है। आखिर ए तो भागा ही भागा और 2 दिन जैसे पूरा बंधु बी भी भाग गया, ये थोड़ा ऊपर लिख देते हैं 5 दिन, ध्यान दीजिएगा बंधु बी भी भाग गया। अगर बी भाग गया तो आगे कौन जाएगा काम करने के लिए, सी जाएगा, तब ना कहीं बंधु काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया, एक बार फिर से समझने का काम करिएगा बंधु। तीनों मिलके काम प्रारंभ किया और ये सोच के किया कि कहीं ना कहीं काम हमारा पूरा होगा, लेकिन बंधु यहाँ से करते करते तीनों आ रहे थे यहाँ तक जैसे पहुँचा, लगने लगा कि इधर काम कितना दिन का बचा हुआ है, 5 दिन का बचा हुआ है, तो ए भाग गया। यानी इसका अर्थ यही हुआ 5 दिन पहले ए भाग गया काम होने से, तो आगे कौन जाएंगे बंधु, बी और सी जाएंगे। ए के जाने बाद 2 दिन बाद बी भी चला गया, तो आगे कौन जाएंगे बंधु, सी जाएंगे। क्लियर है, अब देखिएगा यहाँ से यहाँ बंधु कितना दिन का गैप बचा था, 5 दिन का, 2 दिन इधर यहाँ हो गया तो इधर कितना हो गया, 3 दिन हो गया। ये तो बंधु आप आसानी से निकाल लिए, तब ना बंधु 2 और 3 5 दिन पहले ये भाग गया। अब आपका प्रश्न क्या कहता है, तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। बंधु अगर ये मान हम निकाल लेंगे कि अगर ये कितना दिन काम करके भाग गया तो हम पूरा काम का समय बता देंगे कि कितना दिन में समाप्त होगा। अब देखिएगा बंधु आखिर लास्ट में देखिए बंधु ये 3 दिन जो इधर बचा उसी काम किया, तो कुछ ना कुछ काम करके जरूर दिया होगा लास्ट में ही। सी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, इसलिए 3 दिन काम किया, तो 3×4 कितना काम करके दिया, 12 काम करके दिया। क्लियर है, अब आगे देखिए अगर बंधु बी और सी 2 दिन काम किया है एक साथ मिलके, तो ये भी कुछ ना कुछ योगदान दिया है, तो बी कितना दिया है, 5, सी कितना दिया, 4, 5×4 9 कै दिन, 2 दिन, तो 9×2 18 बंधु 12 और 18 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो 8×2 10 1×1 2 1×3 कितना काम हो चुका है,
30 काम, यानी यहाँ से यहाँ तक जो काम इधर हुआ बंधु कितना काम, 30 काम। टोटल काम कितना था, 60 था। इसका मतलब है कि 60 काम में से 30 काम इधर हो चुका है, तो हमारे पास काम कितना बचा है, 30 बचा है। यानी कहने का अर्थ है कि 30 काम किया होगा ए बी सी एक साथ, उसके बाद ये फरार हो गया यानी भाग गया। अब ये 30 काम जो बंधु एक साथ किया होगा तो तीनों किया होगा, तो देखिएगा 6, 5, 11, 4, 15 अगर तीनों एक साथ मिलता है तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 6, 5, 11, 4, 15 काम करते हैं। काम कितना है, 30 30 बटे 15, क्या दिन बंधु, 2 दिन। यानी यहाँ पे ये जो ए बी सी एक साथ मिलके काम किया कितना दिन किया, 2 दिन काम किया। क्लियर हो गया। अब कहता है कि काम कितना दिन में समाप्त होगा, तो बंधु यहाँ 2 दिन और यहाँ 2, 4 और 3, 7, या तो 2 और 5 कितना होगा, 7 होगा। यानी पूरा काम जो यहाँ से यहाँ तक समाप्त होगा वो कितने दिन में समाप्त होगा बंधु, 7 दिन में समाप्त होगा, जो कि आपका ऑप्शन कहाँ पे है, 4th नंबर पे है। क्लियर हो गया, आप सब समझ गए बंधु। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में रहने की संभावना बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप समझ गए होंगे बंधु। अगर किसी भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यस सर ये सवाल में प्रॉब्लम हुआ है, तो फिर से उस वीडियो को हम दोबारा डालेंगे बंधु, आज जिसे कि आप आसानी से समझ सकेंगे। तो आज जो है बंधु हमारे पास टाइम नहीं रहने के कारण फिर एक बार क्षमा चाहेंगे, और आज का क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है बंधु। जो 5 सवाल पढ़ाए हैं इनको मन से पढ़ लीजिएगा, फिर एग्जाम में देखिएगा बंधु, अगर इस प्रकार के सवाल आएंगे तो नहीं छूटेंगे। फिर आप सबों के साथ हम मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वॉल्यूम में। तब तक आप सभी को अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।